प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर बोलघर गोरखपुर। SC ST एक्ट के वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए जनपद पुलिस ने चलाया ऑपरेशन क्लीन का अभियान। SSP ने कहा 18 अभियुक्तों को ऑपरेशन क्लीन के तहत किया गया गिरफ्तार। 5 अभियुक्तों के ऊपर 25,000 का इनाम किया गया घोषित। 2 अभियुक्तों के ऊपर गुंडा एक्ट की गई कार्यवाही। सर्विलांस टीम ने गुम हुए मोबाइल के खिलाफ अभियान चलाकर 8,57,540 रुपए का 57 मोबाइल फोन किया बरामद। SSP ने मालिकों को सौंपा मोबाइल। मोबाइल पाकर सभी के खिले चेहरे। जनपद पुलिस को दिया धन्यवाद। होली पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन की तैयारी हुई पूरी। SSP ने कहा होली को संपन्न कराने के लिए मंगवाया है बाहरी जिलों की फोर्स। जुलूस पर रखेगी नजर। सभी बारात को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन की तैयारी हुई पूरी। SSP ने कहा सभी बारात को संपन्न कराने के लिए पुलिस बल की लगाई गई है ड्यूटी। रविवार को जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में चलाया गया स्वच्छता अभियान। थानों के कार्यालय बैरक व परिसर की गई सफाई। SSP ने कहा अब हर रविवार को सभी थाना क्षेत्रों में चलेगा सफाई अभियान। आगामी त्योहार होली सभी बारात को शांतिपूर्व आपसी सौहार्द पूर्व मनाने के लिए CO कैन श्यामदेव बिंद की अध्यक्षता में आजाद नगर चौकी पर गोष्ठी का किया गया आयोजन। किया लोगों से शांतिपूर्वक त्योहार मनाने की अपील। डॉक्टर इनामुल हक द्वारा लिखित पुस्तक नवामे मुस्लिम का हुआ विमोचन। पुस्तक के लेखक ने कहा इस पुस्तक को पढ़कर लोगों को हासिल होगी तालीम। गोरखपुर में रविवार को पाए गए 2 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में अब एक्टिव केस की संख्या ही 227। CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने की पुष्टि। लूट के मोबाइल के साथ 2 लुटेरों को कैंट पुलिस ने अलग अलग स्थानों से किया गिरफ्तार भेजा जेल। और भाजपा की ऐतिहासिक जीत एवं योगी आदित्यनाथ के दोबारा मुख्यमंत्री बनने की खुशी में जटाशंकर गुरुद्वारे पर पंजाबी समाज के लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दी जीत की बधाई। कहा CM योगी ने हमेशा सिख पंजाबी समाज को दिया है विश्वास।